अब देखिए नॉन यूनिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक पोटेंशियल हेडिंग है, दूसरा टॉपिक है। नॉन यूनिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक पोटेंशियल एंड गेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये है टॉपिक। नॉन यूनिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोडायनेमिक पोटेंशियल का नॉन यूनिकनेस और गेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, डाइवर्जेंस ऑफ करेंट डेंसिटी, रेट ऑफ चार्ज डेंसिटी बराबर जीरो। चार्ज डेंसिटी का रेट, करेंट डेंसिटी का डाइवर्जेंस जीरो। तो रो आपका चार्ज डेंसिटी है, करेंट डेंसिटी रो है आपका चार्ज डेंसिटी, और जे है आपकी करेंट डेंसिटी। रो है चार्ज डेंसिटी, जे है करेंट डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू डेल क्रॉस ए है, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू माइनस डेल फाई माइनस डी वर ए अपॉन डी, ये है। तो ए है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, फाई है मैग्नेटिक स्केलर। ए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, फाई है मैग्नेटिक स्केलर, अब हम ले रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन। हमने लिया ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन, नाउ वी टेकन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन, हमने लिए है ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन। ए डैश की वैल्यू ट्रांसफॉर्म कर दिया, ए डैश ले लिया ए माइनस डेल साई, फाई डैश ले लिया
फाइडेस ले लिया, फाइ प्लस डेवर साई अपॉन डेवर, साई स्केलर डिपेंडेंट ऑफ स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट। साई जो है स्केलर डिपेंडेंट है ऑफ स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट। स्केलर क्वांटिटी है और उसके पास स्पेस के कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड और टाइम के कोऑर्डिनेट है, तो उसे बोलते हैं स्केलर डिपेंडेंट स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट। अब बी की वैल्यू में अब हमने इंट्रोड्यूस किया मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड बी बराबर डेल क्रॉस ए था, हमने इसमें बदलाव किया ट्रांसफॉर्मेशन, वी टेकन ट्रांसफॉर्मेशन बी की जगह हमने बी डैश लिया, डेल क्रॉस ए डैश, बी की जगह हमने बी डैश लिया, डेल क्रॉस ए डैश लिया। जब हमने ए बदला तो ऑब्वियसली बी भी बदल गया, तो बी डैश बराबर डेल क्रॉस ए डैश। अब डेल क्रॉस ए डैश की वैल्यू तो बी डैश डेल क्रॉस ए डैश की वैल्यू ए माइनस डेल साई है, ये फाई ना देखना साई है, अब बी बराबर डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस डेल साई किसी क्वांटिटी का ग्रेडियंट है, उसका कर्ल ले लोगे तो वो जीरो आएगा, तो ग्रेडियंट ऑफ कर्ल अभी हमने यूज भी किया था जीरो आता है। ग्रेडियंट का कर्ल ले लेने पर वो जीरो आता है, जरा सा नोट कर लीजिए, देखिए जरा देखिए, ये है नॉन यूनिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक पोटेंशियल्स, ठीक है, मतलब कोई यूनिक प्रॉपर्टी वो नहीं दिखा रहा है, इलेक्ट्रोडायनेमिक पोटेंशियल है ए और फाई, ए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है और फाई है मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, जैसे कुछ लोग यूनिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं जो मतलब आपको अलग सी लगती है ना, यूनिक मतलब जैसे कोई बॉयज हो वो स्पेशल अपने बाल बहुत बड़े रख ले, है ना, बहुत बड़े गर्ल्स की तरह, तो अलग से दिखेगा ना, तो एक यूनिक प्रॉपर्टी बन गई। वैसे ही यहाँ पे ये जो ए और फाई है, मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक पोटेंशियल ए और आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल फाई, ये आपका कुछ स्पेशल फॉर्मेशन दिखाए तो वो कहलाएगा यूनिक, वो नहीं दिखाते, ठीक है। और इसी में हम गेज ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रूफ कर रहे हैं। तो देखिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ करेंट डेंसिटी जे है करेंट डेंसिटी, और रेट ऑफ चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू जीरो, लर्न कर लो। मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू डेल क्रॉस ए बता दिया, ए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू अभी प्रूव भी कर लिया माइनस डेल फाई डेवर ए अपॉन डेवर, तो
तो ए है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल और फाई है मैग्नेटिक स्केलर। अब नाउ वी टेकन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन ए डैश बराबर ए माइनस डेल साई। हमने एक नया ऑपरेटर इंट्रोड्यूस, एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम साई है जो आर और टी का फंक्शन, मतलब जो साई लिया है वो किसका फंक्शन है, आर का और टी का। इसी तरह फाई डैश में भी लिया, फाई डैश बराबर फाई प्लस डे बर साई अपॉन डे, ये इमेजिन किया है, एज्यूम किया है। अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो सही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसी तरीके से सेटिस्फाई करता है, मतलब कई उन्होंने एजम्पशन किए होंगे, उनमें सही एजम्पशन ये है ए डैश बराबर ए माइनस डेल साई, फाई डैश बराबर फाई प्लस डी बर साई। तो जो और एजम्पशन किए वो हम नहीं लेते, हम तो सही वाला लेते हैं। साई जो है स्केलर डिपेंडेंट ऑफ स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट। बी की वैल्यू डेल क्रॉस ए लिया, ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो बी डैश बराबर डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए डैश वैल्यू रख दिया। अब देखिए किसी क्वांटिटी का ग्रेडियंट है उसका कर्ल करने पर ज़ीरो आता है। तो ये देखिए डेल क्रॉस डेल साई बराबर जीरो, डेल क्रॉस डेल साई बराबर जीरो। तो यहाँ पर B की वैल्यू आ गई मैग्नेटिक फील्ड, B डैश की वैल्यू आ गई डेल क्रॉस A, जो क्या आई है भाई, ये तो ज़ीरो हो गया जो आपकी B के बराबर, B डैश बराबर डेल क्रॉस A। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनवेरिएंट है इन दिस वे, मैग्नेटिक फील्ड 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 इज इनवेरिएंट इज इनवेरिएंट। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट इनवेरिएंट नहीं बदल रही है। और बी को हम क्या कहते हैं, गेज इनवेरिएंट, क्योंकि ठीक है, एंड बी इज नोन एज गेज इनवेरिएंट, इसी को बोला गया गेज इनवेरिएंट, गेज इनवेरिएंट। इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, गेज ट्रांसफॉर्मेशन। सच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, such type of transformation is known as gauge transformation। transformation इस transformation को हम क्या कहेंगे, gauge transformation। इस transformation को हम कहेंगे gauge। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू माइनस डेल फाई डेवर ए अपॉन डेवर टी, ये थी इलेक्ट्रिक, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसे कहते हैं गेज ट्रांसफॉर्म। अब ई में लगा दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर
माइनस डेल फाई डी वाई अपॉन। अब इसमें लगाएं ट्रांसफॉर्मेशन, ई डैश बराबर डेल फाई डैश देवर ए डैश अपॉन देवर, देवर ए डैश अपॉन देवर टी। फाई की वैल्यू, फाई डैश की वैल्यू इक्वेशन फाइव से रखी, ए डैश की वैल्यू इक्वेशन फोर से रखी। यहाँ रखिए इनकी वैल्यू, यहाँ अप्लाई करिए ये वैल्यू, यहाँ पर अप्लाई करिए। तो अब देखिए ई डैश बराबर माइनस डेल फाई, फाई की वैल्यू लिखो फाई प्लस डेवर साई अपॉन डेवर टी, डेवर अपॉन डेवर टी। ए माइनस डेल साई, ए माइनस डेल साई। तो यहां पर डेल फाई, डेल देवर साई अपॉन डेवर टी, डेवर ए अपॉन डेवर टी, डे प्लस डेवर अपॉन डेवर टी डेंस। अंदर कर दिया प्लस हो, तो ई डैश बराबर माइनस डेंस डेवर अपॉन डेवर टी डेंस, डेवर ए अपॉन डेवर टी डेंस। ये टर्म इससे कट गया, तो ई डैश की वैल्यू डेल फाई ये इक्वेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी गेज इनवेरिएंट, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड 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 आल्सो रिप्रेजेंट गेज इनवेरिएंट इनवेरिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है गेज इनवेरिएंट। इसी तरीके से ये रिलेशंस सिमिलरली डेल ए बराबर माइनस म्यू जे है, डेल फाई बराबर माइनस रो अपॉन एप्साइलन है, ये भी गेज इनवेरिएंट को ओबे करते हैं। वही अगर आप इनमें भी करोगे तो ये भी ओबे करते हैं, डायरेक्ट लिखोगे। These relations, relations
also obey the gauge invariant. Also obey the gauge invariant. तो इसने प्रदर्शित किया ए फाई यूनिक नहीं है. In this way, A and phi are not unique. Are not unique potentials. ये यूनिक पोटेंशियल्स को प्रदर्शित नहीं कर रहा है. तो एक प्रूफ करना है, दो वो उसी से डायरेक्ट क्लिक देना है. करोगे तब भी वही आए. अब आइए लॉरेंज गेज. हेडिंग है प्रैक्टिस बहुत करनी है इसकी. लॉरेंज गेज नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉरेंज गेज मैक्सवेल के आपने चार रिलेशन पढ़े. मैक्सवेल्स रिलेशंस आर मैक्सवेल्स रिलेशंस आर डेल डॉट बी बराबर जीरो. हेलो बोलो. हाँ आज जाएंगे, लेके आएंगे. हैं ठीक आज बोलो. हाँ नहीं आज नहीं, इधर नहीं, हम इटावा जाएंगे कल. रू नहीं नहीं हाँ जाएंगे तो ले ठीक है. नहीं कोई, हम जाएंगे कल इटावा जाएंगे. रूबी क्या ठीक नहीं प्लान नहीं है ऐसा कुछ. हाँ वो मुश्किल. ठीक हाँ डेल डॉट डी बराबर रो, डेल डॉट बी बराबर जीरो, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेवर बी अपॉन डेवर टी, डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेवर डी अपॉन. ये चार मैक्सवेल रिलेशन है. डेल डॉट डी बराबर रो, डेल डॉट बी बराबर जीरो, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेवर बी अपॉन डेवर टी, डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेवर. अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताई थी. मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर क्या बताया है, म्यू एच और टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डी की वैल्यू एप्साइलन ई.
टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी की वैल्यू है एप्साइलन ई, डी की वैल्यू है एप्साइलन ई, बी बराबर है म्यू एच, डी बराबर है एप्साइलन, फ्रॉम मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेवर डी अपॉन डेवर टी, डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेवर डी अपॉन डेवर टी, तो डेल क्रॉस एच जे डेवर अपॉन डेवर टी एप्सिलॉन ई। ठीक है, अब म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय म्यू, रिवीजन है ये जो पहला टॉपिक था ना लॉरेंज गेज वाला, पहले वो फार्मूला बना, म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो म्यू डेल क्रॉस एच म्यू जे म्यू एप्सिलॉन डेवर ई अपॉन डेवर टी। अब बी डेल क्रॉस म्यू एच म्यू जे ये आपका बी के बराबर डेल क्रॉस बी म्यू जे म्यू एप्सिलॉन, ये आपका रिलेशन। B की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड B, फील्ड B बराबर डेल क्रॉस A, बताया था A मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, ए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ई बराबर माइनस डेल फाई, ए मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, ए मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, ए मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, ए मैग्नेटिक स्केलर, सभी बच्चे पहले तो मैक्सवेल के रिलेशन याद कर लें, डेल डॉट डी बराबर रो, डेल डॉट बी बराबर जीरो, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेवर बी अपॉन डेवर टी, डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेवर डी अपॉन, बी की वैल्यू म्यू एच, म्यू परमेबिलिटी है डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की, एप्सिलॉन परमिटिविटी है डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की, अब डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेवर डी अपॉन डेवर टी, तो डेल क्रॉस एच जे डेवर अपॉन डेवर टी, डी का मान एप्सिलॉन ई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय म्यू, तो म्यू डेल क्रॉस एच
न्यू जे, न्यू एप्साइलन डेवर ए अपॉन डेवर टी, म्यू अंदर कर दिया म्यू एच, म्यू जे, म्यू एप्साइलन डेवर ई अपॉन डेवर टी। अब ये b के बराबर हो गया, म्यू जे म्यू एप्साइलन, d की वैल्यू लिख दिया है, ठीक है, तो d की वैल्यू म्यू एप्साइलन डेवर ई अपॉन डेवर टी। इलेक्ट्रिक फील्ड e की वैल्यू है माइनस डेल फाई डेवर ए अपॉन डेवर टी। मैग्नेटिक फील्ड b की वैल्यू है डेल क्रॉस ए। ये आपके रिलेशंस हैं, इनको रखा जाए, रखिए जरा इक्वेशन 8 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b एंड e इन इक्वेशन 8, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v एंड e इन इक्वेशन 8 में रखिए, तो डेल क्रॉस b म्यू जे म्यू एप्सिलॉन। अब यहाँ रखिए, तो डेल क्रॉस a म्यू जे म्यू एप्सिलॉन डेवर अपॉन डेवर टी। ई की वैल्यू है डेल फाई डेवर ए अपॉन डेवर टी। अब यहाँ पर ये इक्वेशन हुई, इक्वेशन नंबर है 11, ए क्रॉस b क्रॉस c, क्या बताया था, a डॉट c, b बाहर, a डॉट b c बाहर। ये रिलेशन लगाइए, तो डेल डॉट इसे a, ये b, ये c, तो डेल डॉट a, तो मतलब डेल डॉट a हो गया, b बाहर डेल बाहर, a डॉट b डेल डॉट c बाहर, मतलब a बाहर, म्यू जे म्यू जे म्यू एप्सिलॉन डेवर अपॉन डेवर टी डेल फाई माइनस म्यू एप्सिलॉन। डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर, तो डेल डॉट ए इंटू डेल डेल स्क्वायर ए, देखे नीचे आ रहा है, डेल स्क्वायर ए म्यू जे म्यू एप्सिलॉन डेवर अपॉन डेवर टी, म्यू एप्सिलॉन अब देखिए,
डेल स्क्वायर ए उधर ले गए, म्यू एप्सिलॉन ये लिख दिया, माइनस में म्यू एप्सिलॉन डेवर ए स्क्वायर अपॉन डेवर टी स्क्वायर, डेवर स्क्वायर ए अपॉन डेवर टी स्क्वायर। फिर ये वाला इधर लाए, माइनस डेल डॉट ए इनटू डेल, डेल डॉट ए इनटू डेल, माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल बाहर करिए डेल डेवर फाई अपॉन डेवर टी। इस टर्म को उधर ले जाइए, माइनस म्यू जी ऐसे, ये दोनों टर्म आप उधर ले जाइए उस साइड में, और ये वाला टर्म आप इधर लाइए तो माइनस। फिर आपने डेल स्क्वायर ए म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर ए अपॉन टी स्क्वायर, डेल बाहर लिया, डेल डॉट ए प्लस म्यू एप्सिलॉन बराबर म्यू जी, इक्वेशन नंबर 30। इसी तरह ये बन गया रिलेशन। इसी तरीके से फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन, हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, हमने एक बार रिपीट किया है, ठीक है। ये वाला हम पिछले वाले में भी, पहले टॉपिक में भी बता चुके थे, दोबारा बता दिए क्योंकि इसमें बताना ही था, तो हमने डबल बार डायरेक्ट नहीं किया। डेल डॉट डी बराबर है रो, डी की वैल्यू लिख दिया एप्सिलॉन ई बराबर रो, एप्सिलॉन डेल डॉट ई बराबर रो, डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन, रो अपॉन एप्सिलॉन। E की वैल्यू आप रख दीजिए इक्वेशन 10 से, E की वैल्यू लिखिए डेल माइनस डेल फाई माइनस डेवर ए अपॉन डेवर टी बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन, ये ले लिया माइनस डेल स्क्वायर फाई माइनस में डेल डेवर ए अपॉन डेवर टी बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन। माइनस उधर दे दीजिए तो डेल स्क्वायर फाई डेल स्क्वायर फाई प्लस डेवर अपॉन डेवर टी डेल डॉट ए रो अपॉन एप्सिलॉन, माइनस उधर दे दिया। उसी तरीके से आप इस रिलेशन में ऐड करिए और सब्सट्रैक्ट करिए, किसको म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर फाई, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर फाई अपॉन म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर टी, इसको ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट करिए, तो डेल स्क्वायर फाई
म्यू एप्सिलॉन, ये सबट्रैक्ट वाला इधर लिखिए, म्यू एप्सिलॉन प्लस डेवर अपॉन डेवर टी डेल डॉट ई प्लस म्यू एप्सिलॉन रो अपॉन एप्सिलॉन। अब आपने म्यू एप्सिलॉन डेवर अपॉन डेवर टी बाहर किया, डेल डॉट ई म्यू एप्सिलॉन डेवर फॉर रो अपॉन एप्सिलॉन। अब ये क्वेश्चन है आपकी 15। यहां पर लॉरेंज कंडीशन है, इंटरलॉकिंग टर्म है दोनों में। इक्वेशन 13 एंड 14, इक्वेशन 13 एंड इक्वेशन 15 हैविंग द लॉरेंज कंडीशन। क्या लॉरेंज कंडीशन लेके चल रही है? डेल डॉट ए म्यू एप्सिलॉन डेवर फाई अपॉन बराबर से, ये लॉरेंज कंडीशन लेके चल रही है। जो इंटरलॉकिंग टर्म था, जो जीरो था, उसको लेकर चल रही है। जब इसको आपने लिया तो ये इक्वेशन में ये टर्म हो गया जीरो, ये इक्वेशन का ये टर्म हो गया जीरो, दोनों टर्म आपके जीरो हो गए। तो देखिए, इक्वेशन 13 विकम्स, रख दे रहे हैं डायरेक्ट विकम्स, क्या हो जाएगी? डेल स्क्वायर ई म्यू एप्सिलॉन डेवर ए स्क्वायर ए अपॉन डेवर टी माइनस म्यू जे। इक्वेशन नंबर 11 ये हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 11। और ये जो इक्वेशन 15 है, इसमें जीरो करोगे 15 विकम्स, क्या हो जाएगी? डेल स्क्वायर फाई म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर टी स्क्वायर बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, ये इक्वेशन 12 हो गई। ये इक्वेशन हो गई 17, ये इक्वेशन हो गई। ये वाली इक्वेशन में रख दिया तो 15 हो गई, ये जीरो कर दीजिए, उसमें रख दिया ये बन गई। ठीक है, अब देखिए यहां तक प्रूफ में हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमने एक बार रिपीट किया है तुम लोगों की वजह से कि दोबारा कर लें। ठीक है, हम तो डायरेक्ट कर देते, तुम्हें प्रूफ करना पड़ता, तो हमने कर दिया एक बार। अब देखिए
जो लॉरेंज कंडीशन है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करिए. वी टेकन लॉरेंज कंडीशन. क्या है लॉरेंज कंडीशन? डेल डॉट ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेवर फाई अपॉन डेव बराबर जी. यह है लॉरेंज कंडीशन. इसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करिए. वी अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन ए की जगह ए डैश, फाई की जगह फाई डैश आप अप्लाई करिए. पहला बेटा जरा ये वाला ए की जगह ए डैश लीजिए, फाई की जगह फाई डैश. ए डैश की वैल्यू क्या बताई है पीछे देखो विशाल, ए डैश में देखो क्या है वैल्यू. ए डैश बराबर ए माइनस डेल साई. ए डैश की वैल्यू है ए माइनस डेल साई. फाई डैश की वैल्यू है फाई प्लस डेवर साई अपॉन डेवर टी. देखो जरा ए डैश की वैल्यू हमने क्या लिया है ए माइनस डेल साई. फाई डैश की वैल्यू लिया है फाई प्लस डेवर साई अपॉन डेवर टी. ये हमने जो पीछे देख लीजिए वही हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं. लगाइए जरा. तो डेल ए प्लस म्यू एप्सिलॉन. अब यहाँ पर ए की जगह ए डैश ले लिया तो डेल ए डैश लगा ले भाई. अब ट्रांसफर यहाँ लिख दे ए डैश, यहाँ लिख दे फाइव डैश, इधर लिख दे ए डैश, इधर लिख दे फाइव डैश. ए डैश की वैल्यू लिखी है डेल ए माइनस डेल साई म्यू एप्सिलॉन डेवर अपॉन डेवर टी फाई प्लस. तो ये हो गया डेल ए डेल इनटू डेल साई. म्यू एप्सिलॉन डेवर फाई अपॉन डेवर टी म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर साई अपॉन. तो डेल ए म्यू एप्सिलॉन डेवर फाई अपॉन डेवर टी यहाँ पे कर लिया. डेल स्क्वायर इसको उधर ले गए. हाँ जब देखो जरा विशाल, इसको डेल स्क्वायर साई कर लिया उधर ले गए म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर टी स्क्वायर.
इक्वेशन डाल दें हम 90, नोट करो, ये डेल स्क्वायर साई हो जाएगा, उधर भेज दिए, ठीक है, या एक ही स्टेप में, और ये वाला उधर भेजा, ये टर्म हमने उधर भेज दिया, ये टर्म ऐसे करो, तो ए फाई तो फिर से वैसा ही आ गया, ठीक है, देखिए ए फाई फिर से वही आ गया, या इसे ऐसे लिख दो, डेल ए म्यू एप्सिलॉन डेवर फाई अपॉन डेवर टी, ठीक है, डेल स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर टी इंटू एप्सिलॉन, तो ये देखिए ए और फाई सेटिस्फाई कर रहे हैं गेज कंडीशन, ठीक है, इन दिस वे ए एंड फाई सेटिस्फाई द गेज कंडीशन, गेज कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं गेज कंडीशन को, कि भाई ए डैश करने पर भी फिर से वही एंड कंडीशन आ गई, तो इससे ये जो गेज ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, इन दिस वे इन दिस वे फिर ना लिखो, हैंस हैंस गेज ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन इन लॉरेंज कंडीशन कंडीशन, जो गेज ट्रांसफॉर्मेशन है लॉरेंज कंडीशन में लॉरेंज कंडीशन में, हैंस गेज ट्रांसफॉर्मेशन इन लॉरेंज कंडीशन इज नोन एज लॉरेंज गेज, उसी को हम क्या कहते हैं लॉरेंज गेज, उसी को हम कहते हैं लॉरेंज गेज, मतलब लॉरेंज कंडीशन में हमने लगाया फिर से वही लॉरेंज कंडीशन आ गई, तो उसे हम क्या कहते हैं लॉरेंज गेज, ये आपका, इसमें ये वैल्यू तो अभी पढ़ी थी ना जीरो होती है, तो ये कि डेल डॉट ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेवर फाई अपॉन डेवर टी, ये जीरो है लॉरेंज कंडीशन, तो ये डेल स्क्वायर, ये जब जीरो हो गया तो जीरो डेल स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन डेवर अपॉन डेवर टी स्क्वायर, इसे क्या कहते हैं विशाल, इसको क्या कहते हैं, पीछे देखो जरा कहीं पढ़े हो, डीएलम्ब्रेशन ऑपरेटर, ठीक, वेरी गुड, तो ये डेल साई बराबर सी, ये शुरुआत में थोड़ा टफ लगता है क्योंकि प्रूफ ज्यादा बड़े बड़े हैं ना, पर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो धीमे धीमे मैथमेटिक्स आने लगती, तो फिर आसान हो जाता है, तो ये डीएलम्ब्रेशन ऑपरेटर रिप्रेजेंट करता है
तो हेंस साई आल्सो रिप्रेजेंट द डीएलिब्रेशन ऑपरेटर also represent the deelimbration operator. Tuesday को लगी, कल तो रक्षाबंधन है, ठीक है यहीं तक पढ़ाते हैं, आगे कूलाम गेज बताना था वो अब नहीं बताएंगे, फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। संडे वाला आज ही हमने पढ़ा दिया है, तो अब तुम लोगों का क्लास, जब बेटा उस दिन भी फोटो नहीं खींचे थे, अब क्लास आपका ट्यूसडे को लगेगा।